नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिग बॉस ओटीटी 2 में जब से यूट्यूबर एल्विश यादव की एंट्री हुई है तभी से उन्होंने शो का सिस्टम हिलाया हुआ है। एल्विश यादव को दर्शकों की तरफ से जमकर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हाल ही में सलमान खान के शो में जब सलमान ने एल्विश से पंगा ले लिया था, जिसके बाद से ही सलमान खान लगातार लोगों के निशाने पर आए हुए हैं। जहां कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सलमान खान को एल्विश यादव को रुलाने के चलते काफी ट्रोल किया गया था। दरअसल वीकेंड के वार पर सलमान खान एल्विश यादव पर भड़कते हुए दिखाई दिए। जहां इसे लेकर सलमान खान एक तरफ लोगों के गुस्से का शिकार बने, तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एल्विश यादव को सपोर्ट करते हुए सलमान खान को धमकी दे डाली है। आपको बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें गैंगस्टर एल्विश के सपोर्ट में सलमान खान को धमकाता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ये जो बिग बॉस में एल्विश यादव के साथ बुरा बर्ताव हुआ, इसका बदला लेने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एल्विश भाई, तुम सिस्टम पे सिस्टम करते रहो, सिस्टम हैंग रखिए सलमान भाई का, उसे तो मैं ही मारूंगा। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते और ना ही हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल गोल्डी बराड़ के इस ट्वीट की सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान खान को काफी टाइम से धमकी मिल रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई हुई है। अब चलिए आपको बता दें कि आखिर सलमान ने एल्विश यादव को वीकेंड के बार में फटकार क्यों लगाई थी। दरअसल सलमान खान ने वीकेंड के बार में एल्विश यादव को फटकार इसलिए लगाई थी क्योंकि एल्विश ने बेबिका ध्रुवे और जी एफ शंकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में सलमान खान ने एल्विश से उनकी माता की वीडियो कॉल भी कराई थी। इसके साथ ही सलमान खान ने कहा था, ये जो तुम्हें फ्री में देखते हैं उनसे 500-500 रुपए लो, फिर देखते कि वो तुम्हारे कितने तगड़े फैन हैं। कहा जा रहा है कि एल्विश को सलमान से फटकार पड़ी इसलिए वो शो में रो पड़े, जबकि कुछ खबरों में सुनने में आ रहा है कि सलमान ने एल्विश के साथ साथ मामले में उनकी मां को बीच में लाए और एल्विश से वीडियो कॉल पर बात कराई, जो कि एल्विश यादव को अच्छा नहीं लगा। मां को देख वो इमोशनल हो गए। सलमान खान अपनी इसी हरकत की वजह से एल्विश यादव के फैंस के निशाने पर आ गए हैं। बताते चले कि एल्विश यादव ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस ओटीटी 2 में एंट्री मारी थी। एल्विश को शो में काफी पसंद किया जा रहा है। जब से शो में उनकी एंट्री हुई है तभी से इस शो की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। फैंस को लग रहा है कि एल्विश यादव ही इस शो के विनर बनेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, एल्विश यादव इस शो के विनर बनेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एल्विश यादव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।